झारखंड चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में जुटे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया है। एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी है। बताया जा रहा है कि उनके चॉपर को हेलीपैड से उड़ने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला है और करीब आधे घंटे से ज़्यादा समय से राहुल का हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा के बेलबड्डा में रुका हुआ है। हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस न मिलने पर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। विधायक ने इसे बीजेपी की गलत नीति बताया है। गोड्डा में खड़े राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं और गोड्डा से रवाना होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलीपैड के आसपास राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी भी खड़े हुए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।